हेलो फ्रेंड्स, स्कीम लिंकेज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं वेबसाइट्स में। अगर BDS या उद्यमी मित्र इस वेबसाइट में बेनिफिशियरी रिकॉर्ड्स जो उन्होंने एंटर किए हुए हैं उसके आगे उसके स्कीम लिंकेज प्रोग्राम्स या फाइनेंशियल ट्रेनिंग या एंटरप्राइज ट्रेनिंग के लिए जो रिकॉर्ड्स वगैरह हम लोग इसमें मतलब एड ऑन किया हुआ है हमने इसमें, तो इसकी ये पूरी ट्रेनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन सेक्शन में जो फर्स्ट जो वेबसाइट है आपकी उसको आप ओपन करेंगे। इसमें एडमिन लॉगिन में जाएंगे। अब इसमें जो एडमिन लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो दिया हुआ है उसके नीचे एक सेक्शन और आ गया है लॉगिन टाइप। तो अगर आप उद्यमी मित्र है तो आप उद्यमी मित्र सेलेक्ट करिए, अगर आप एडमिन है तो एडमिन सेलेक्ट करिए। तो अभी मैं उद्यमी मित्र के थ्रू जाता हूँ क्योंकि उद्यमी मित्र इसमें काम करेगा। तो मैं प्रथम एक उद्यमी मित्र है या BDS है तो मैं इनका यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ और लॉग इन करता हूँ। जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में आपको किस सेक्शन में जाना है, सबसे पहले जितने भी आपके बेनिफिशरीज हैं उसको आपको लिस्ट डाउन करने के लिए बेनिफिशरी सेक्शन में जाइए, बेनिफिशरी रिकॉर्ड पे जाइए। जैसे इस बेनिफिशरी रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आपके जो बेनिफिशरीज होंगे जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किए होंगे, ठीक है, जैसे प्रथम है तो प्रथम ने 96 रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर जो बेनिफिशरीज हैं वो 5,000 समथिंग है। तो 96 रिकॉर्ड बेसिकली ये प्रथम जो यूज़र है या BDS है उसके थ्रू है। तो ये झांसी अर्बन में काम करता है क्योंकि जब लॉगिन करेंगे तो ये आप इस पे जाइएगा तो इसमें देखिए नाम आ रहा है प्रथम और इसका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है झांसी और ब्लॉक आ रहा है झांसी अर्बन, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले स्कीम लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है इसकी एलिजिबिलिटी। तो ये लिंक है आपका स्कीम चेक एलिजिबिलिटी पे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका पूरा पहले रिकॉर्ड दिखाएगा कि बेनिफिशियरी का नाम क्या है, हस्बैंड नेम, एज, जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए उद्यमी मित्र प्रथम आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट झांसी, झांसी अर्बन, मेल है आपका, रजिस्ट्रेशन कब इनका हुआ था, ग्रेजुएशन है, मोबाइल नंबर, ठीक है, एड्रेस इनका डला नहीं है, आधार नंबर है, ठीक है, इनका बैंक है, ये मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। अब हमें किस स्कीम में इनको अप्लाई कराना है तो यहाँ से हमें स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो स्कीम है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने डाल रखी है, तो 12 स्कीम्स हैं आपकी। तो जो भी जिस स्कीम में भी आप इसको अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करिए। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ दिखाएगा, इस पर्टिकुलर स्कीम की इन्फॉर्मेशन, कि स्कीम का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, स्कीम की डिटेल्स क्या है, स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए मतलब सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, आधार सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से इसको आप चूज कर सकते हो। तो ये अभी मैं लैपटॉप के ऊपर ये इसको डेमो दे रहा हूँ। तो लैपटॉप में जब आप इस पर क्लिक करोगे चूज फाइल के ऊपर तो ये मेरे को एक ब्राउज विंडो खोलेगा जहाँ से मैं इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब इसी साइट को अगर आप मोबाइल पे चलाएंगे तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो कैमरे से आप उसका आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो, वोटर आईडी का फोटो, किसान आईडी और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या अदर जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है उसका फोटो आप अपने कैमरे से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे मैं अभी लैपटॉप के ऊपर चला रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटस लिया कि मैंने इसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट कलेक्टेड। डॉक्यूमेंट में मैं एक दो फाइल डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फाइल इंसर्ट कर दी है, ठीक है, मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ, लेट कर लीजिए ये, ठीक है। उसका आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड लेना है तो मैं दूसरी कोई फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे दो फाइल ले ली, वोटर आईडी नहीं, किसान आईडी नहीं, आप छोड़ सकते हैं फाइल। जैसे मैं इसमें अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर द स्कीम ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो बंदा है ऑलरेडी इस स्कीम में ऑलरेडी इनरोल्ड है। आप कैसे पता चलेगा कि इनरोल्ड है, तो इसमें देखिए ये एक लिंक बना हुआ है स्कीम लिंकेज प्रोग्राम बेनिफिशरीज। तो इसमें देखिए ये जो अंशुल पस्तूर है ये बेसिकली पहले से ये PM स्ट्रीट वाला जो स्कीम है इसके ऊपर अप्लाई कर चुका है।
ठीक है। और इसका जो स्टेटस आ रहा है, डॉक्यूमेंट कलेक्टेड आ रहा है। तो अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम को दोबारा कब अप्लाई कर सकता है बंदा? जब ये स्कीम का स्टेटस आपका या तो रिजेक्ट आ जाए या तो क्लोज्ड आ जाए, ठीक है। तो एक ये बंदा जो है एक से ज़्यादा स्कीम को भी अप्लाई कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरी स्कीम में अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। कंसुल पस्तौर है ये इसमें नहीं करके हम फंड इसके थ्रू हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट कलेक्टेड ले लिया, और ये दो इमेज आपकी सिलेक्टेड हैं। फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? लेफ्ट साइड में आपका लिंक आ रहा है, स्कीम लिंकेज प्रोग्राम बेनिफिशरीज। तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि सेकंड वाला जो देखो आपको आईडी आ रहा है, ये आपका आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, जो BDS होंगे वो रेगुलरली इसको, इस स्कीम को या तो इस एप्लीकेशन को रेगुलरली वॉच करेंगे। अब जैसे वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद इसका स्टेटस हमें चेंज करना पड़ेगा हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जैसा भी उनको इस पे प्रोग्रेस चल रही है जो भी इसके हिसाब से। सॉरी, नेट चला गया। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा उन्हें, अब जैसे ये जो अभी जो हमने किया था, ये स्कीम के ऊपर डॉक्यूमेंट कलेक्टेड आ गया है। अब इसका मान लीजिए हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, चेंज स्कीम स्टेटस। तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपका जैसे वो बेनिफिशरीज है वो कहता है कि भाई मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, या आपने उसका फॉर्म भर दिया है, या ऑफलाइन फॉर्म भर दिया, तो उसका स्टेटस आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी रिमार्क देना है वो आप रिमार्क दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ऑनलाइन फॉर्म। फिल्ड बाय BDS ऑन डेट 23 मई 21, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पर जाके जब आप इसको देखोगे आप, तो यहाँ पे बताएगा कि आपका स्टेटस ऑनलाइन फॉर्म फील्ड है, और रिमार्क में ये आ रहा है ऑनलाइन फील्ड बाय BDS ऑन 23 में, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेगुलरली इसका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। ये BDS की या उद्यमी मित्र जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पूरे एप्लीकेशन को ट्रैक करके या प्रोसेस करके यहाँ तक ले जाना, एप्लीकेशन रिजेक्टेड तक या एप्लीकेशन क्लोज तक, ठीक है। तो एडमिन इसी के ऊपर आपको पूरा मतलब पॉइंट्स देंगे, या तो आपका जो भी होगा रिकॉर्ड्स वगैरह होगा या परफॉर्मेंस होगा, इसी के बेस पे आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, ठीक। अब एक चीज़ और है, मतलब दो ट्रेनिंग और है, या दो कॉन्सेप्ट और है। जैसे जिस बेनिफिशरीज ने कुछ एप्लीकेशंस में क्या किया होगा या कुछ स्कीम्स में अप्लाई कर दिया होगा, तो अब हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। या तो फाइनेंशियल ट्रेनिंग देंगे या तो हम इंटरप्राइज ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर उसी सेक्शन में जाना है, बेनिफिशियरी सेक्शन में जाएंगे, रिकॉर्ड में जाएंगे। अब ये जो अंशुल पस्तौर था, लेट कर लीजिए, इसको फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए ले जाना है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग मैंने पहले से अप्लाई कर दी है, तो देखिए क्या होता है, ये एरर बताता है कि नहीं बताता है। इसने दो स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये आपको बताएगा एप्लीकेशन फॉर द ट्रेनिंग रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियरी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, मतलब ये ऑलरेडी फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए एनरोल्ड हो चुका है बंदा। अब इसकी आपकी दोबारा एनरोल नहीं करेगा आपका ये डेटाबेस। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग पे जाइए और यहाँ से चेक करिए, देखिए ये अंशुल पस्तौर है, ये बेसिकली अभी ट्रेनिंग में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो स्टेटस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रेनिंग स्टार्टेड आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो स्टेटस आ रहा है, ट्रेनिंग स्टार्टेड आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते जाएंगे,
तो हमें ट्रेनिंग का एक एंड डेट सेट करना पड़ेगा। जब भी इनकी ट्रेनिंग 1 या 2 दिन या 3 दिन में जब आप इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो वो आपको डेट देनी पड़ेगी आगे। फिर ट्रेनिंग आपको प्रोग्रेस या तो कंप्लीट जैसा भी है वो सेट करना पड़ेगा, और फाइनली एक रिमार्क देना पड़ेगा, ठीक है, और अपडेट ट्रेनिंग डिटेल, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ है कि जिसकी भी ट्रेनिंग आप स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एडमिन को उनके पैनल पे दिखेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेगुलरली आपको अपडेट करना है ट्रेनिंग के बाद। अगेन जैसे एक बंदा है रोशनी, ठीक है, इसका मैं एक ट्रेनिंग के लिए सेंड कर देता हूँ, ठीक है, अप्लाई फॉर फाइनेंशियल ट्रेनिंग। तो देखिए अभी इन्होंने किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं किया हुआ है, फिर भी आप इसको चाहते हैं कि इसकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग हमें देनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए इसको। नॉलेज क्या है फाइनेंशियल ट्रेनिंग की, जैसे कोई नॉलेज है कि नहीं है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का मतलब उसको बैंक की इन्फॉर्मेशन है, उसको ATM कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, उसको जैसा भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे दीजिए। गुड नॉलेज का मतलब उसको अच्छी खासी नॉलेज है, जैसे उसको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पता है। एक्सीलेंट नॉलेज का मतलब उसको अगर लगता है कि आपको उसको RD के बारे में, उसको इंश्योरेंस के बारे में पता है, 4-5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उससे। अगर उसको 4-5 क्वेश्चन की सारी नॉलेज है तो आप उसको एक्सीलेंट नॉलेज में डाल सकते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन है या गुड नॉलेज है तो गुड में डाल सकते हैं, बेसिक तो बेसिक, कुछ नहीं आता उसे नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क अपना जो भी आपको देना है रिमार्क दे दीजिएगा, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग सक्सेसफुली सबमिटेड। बच्चे परेशान करते रहते हैं। हाँ तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग सक्सेसफुली सबमिटेड आपका आ गया, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग में चले गए। अब इसका रिकॉर्ड आपको देखना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग लिंक पे जाइए, तो वहाँ पर आपको 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक अंशुल का दिया जाएगा, एक रोशनी बागरी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करना है, अगर इसी को अगर उसको इंटरप्राइज ट्रेनिंग के लिए जाना है, मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग दे दी, अब इसको कोई मान लीजिए कोई अपना एक शॉप खोलनी है या तो कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है या तो कोई उनको कोई आपका छोटा सा वर्कशॉप खोलना है, तो जो भी आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद फाइनेंशियल ट्रेनिंग के बाद उसकी इंटरप्राइज ट्रेनिंग हमें करानी पड़ती है। तो इंटरप्राइज ट्रेनिंग में अब हम जाएंगे, ये लिंक आ रहा है इंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो यहाँ पर जो अंशुल है इनको भी मैंने इनरोल कर दिया था, मतलब ये जो प्रथम है, प्रथम ने क्या किया था, इनको ऑलरेडी पहले से इनरोल कर रखा है। इनकी ट्रेनिंग कौन सी चल रही है, कंप्यूटर DTP ट्रेनिंग, 4 वीक्स की ट्रेनिंग चल रही है इनकी, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ DTP का वर्कशॉप या तो अपना कोई शॉप डालेंगे जहाँ पे फोटो स्टेट, प्रिंट आउट, फॉर्म फिल करना, उस तरह का काम ये करेंगे आगे फ्यूचर में, तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को इंटरप्राइज ट्रेनिंग में डालना है तो अब हम क्या करेंगे, वही बेनिफिशरी सेक्शन में जाइए, बेनिफिशरी रिकॉर्ड में जाइए, और जैसे ये रोशनी, इस पर आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करिए, इसमें तीसरा जो बटन है, थर्ड बटन, अप्लाई फॉर इंटरप्राइज ट्रेनिंग, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आएगा कि इन्होंने कौन सी अभी स्कीम को ले रखा है, या तो कोई प्रोग्रेस में चल रही है कि नहीं चल रही है, वो आपको यहाँ बताएगा, लेकिन अभी इन्होंने कुछ ले नहीं रखा है। तब भी आप चाहते हैं इसकी इंटरप्राइज ट्रेनिंग कराना तो आपको ट्रेनिंग यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ मैंने 3 ट्रेनिंग या एडमिन ने 3 ट्रेनिंग को इनरोल कर रखा है, कंप्यूटर, सोलर और पेपर वर्क ट्रेनिंग। तो अगर आपका और भी जो ट्रेनिंग होगी वो एडमिन यहाँ से बढ़ाता जाएगा, ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करिएगा, ये ऑटोमेटिक इसमें आपको लिस्ट आ जाएगी। तभी लेट कर लीजिए सोलर पैनल का, उनको हमें काम सिखाना है, ठीक है, रिमार्क देना है रिमार्क दे दीजिए। तो ये 3 डेज की ट्रेनिंग है, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग आपकी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप देख सकते हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग में कि यहाँ पर 1-2 बंदे आ गए हैं जिनको आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इसको भी आपको उसी तरह से कि भाई ट्रेनिंग होने के बाद आफ्टर कितने 3 डेज की ट्रेनिंग थी, तो भाई आपका जैसे 23rd को अप्लाई किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन बाद मतलब 26 तारीख को इनकी ट्रेनिंग को बंद करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कंप्लीटेड। अब वो ट्रेनिंग आप देते हैं या तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू दिलवाते हैं या कंपनी किसी एक्सपर्ट के थ्रू दिलवाती है, तो वो ट्रेनिंग दे के उसको कंप्लीट करना है, और रिमार्क जो भी बनता है वो आप रिमार्क यहाँ दे दीजिए, जैसे सर्टिफिकेट इशू हो गया या तो उनका शॉप एस्टैब्लिश हो गया, जो भी है वो आप रिमार्क यहाँ पे अपने हिंदी इंग्लिश में जैसा चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ABC डाल देता हूँ, ठीक है, तो 26/5 को, ठीक है, तो ये अपडेट हो गया, यहाँ से जाके देखेंगे।
तो ट्रेनिंग कंप्लीटेड हो गई, 26 तारीख को इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो ये आपके तीन सेक्शन है जिसके ऊपर आपको काम करना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैं आपको मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, थैंक यू।